उसने अपराध किया, उसे क्षमा किया, तो उस भाव से मैं तो विकल्प ही रहा, तथा यदि दूसरे के क्षमा मांगने में रहे तो पुनः पुनः वही अपराध हम करते रहेंगे, तो यह क्षमा की दिशा भी नहीं। बच्चों का खेल हो गया, अपराध करते रहे और क्षमा मांगते रहे। और भाई आजकल प्राय ऐसा होता है, वहां तक समझ बैठते हैं कि हमने वह इसने क्षमा मांग ली, चलो छुट्टी हो गई, दूसरे से क्षमा मांगो, दूसरे को क्षमा करो या दूसरे के प्रति क्षमा याचना करो इत्यादि विकल्प भावों का बढ़ना भी तो उत्तम क्षमा का लक्षण है। विकल्प तो धर्म नहीं कहते, इसमें तो विकल्प भाव छिपा हुआ है, अतः क्षमा क्या है यह जाने बिना क्षमा करने के विकल्प अवस्था में ही क्षमा की शैली नहीं आती है। अतः यह बात अवश्य कि जिसके ज्ञान दृष्टि हुई अपराध से अरुचि होकर ज्ञान आराधना की ही रुचि है, उसके विकल्प होता है तो वे क्षमा मांगे जाते, तो वे क्षमा मांगने जाते ही हैं। वहाँ भी जिनके क्षमा कर देने से क्षमा गुण प्रकट नहीं हो जाएगा, किंतु मेरे निमित्त से उन्हें कलेश नहीं रहा, इस भाव के बाद परिस्थितियों का सहयोग मिलता है जिसके अंतरंग क्षमा प्रकट ही हो लेती है। किसी के कसाय चेष्टा की, जिसे हमने अपने विकार रूप में देखा तो हमें क्रोध आ गया, तो हमने उस पर कुछ क्रोध नहीं किया, आपने पर ही क्रोध किया, तब उस क्रोध के संताप को दूर करने के लिए इच्छा होती है कि इसका बिगाड़ हो जाए या यह मुझसे क्षमा मांगे। देखो भैया, मोह से क्षमा की कैसी अटपटी सूरत बना ली जाती है। भैया, क्रोध तो तुमने किया तो उसके क्षमा मांगने से क्षमा होगी या तेरे ही सत्य पुरुषार्थ से क्षमा होगी। आपने इस एका की चैतन्य भाव को ही देखकर अपने निज ज्ञान स्वभाव की आराधना में ही लगे तो उत्तम क्षमा प्रकट होती है। क्रोध नहीं करने से उत्तम क्षमा करते हैं। जीव किसी पर क्रोध नहीं करता, यह तो स्वयं पर ही क्रोध करता है, स्वयं को ही बर्बाद करता है, स्वयं को हानि करता है। इस प्रकार क्रोध न करने की बात तो मुख हुई। किसी भी प्रकार का विकार ना आने देना, आत्मगुणों का घात ना होने देना, अपने आप को क्षमा करना। कोई समझे कि मैं अपने घर में स्त्री सहित बड़े प्रेम से रहता हूँ, मेरे से बाहर वालों का कोई विकार नहीं होता, बाहर से किस पुरुष या अन्य किसी पर गुस्सा ही नहीं करता, फिर हम तो क्षमावान ही हैं, हमको कहाँ से क्रोध का बंध लगेगा। बोले, हम घर में रहते हैं, जाते ही नहीं हैं कहीं। परंतु ऐसा नहीं है, स्त्री से प्रेम करते हैं और मोह बढ़ा रहे हैं तभी भी अपने आप पर खूब क्रोध कर रहे हैं। आप उन्हें को क्षमा करो, विकार व विकल्प की रुचि मत रखो, खुद के विकास परिणामों से आत्मा के गुणों का घात होता है, अपनी दया करो। देखो तो ज्ञाता निष्ठा मात्र ही परिस्थिति रूप शांति का भंडार चेतन स्वरूप भगवान इन पर्यायों के रूप में नष्ट तिरोहित हो रहा है। जिससे तुम दुखी हो रहे हो, इस चेतन स्वरूप से क्षमा मांगो, किसी से और कुछ ना मांगो। चेतन स्वरूप तेरे में परस्पर विरुद्ध दो बातें पाई जा रही हैं। एक तो अंतः प्रकाशमान त्रिकाल में रहने वाला ज्ञान स्वरूप और ऊपर व्यक्त हुए उससे उल्टा क्रोध भाव है, क्रोध भाव पर का उपयोग रखने वाला है, जिससे इसने सकलिष्ट अज्ञानी बनकर इस सरल महान चेतन स्वरूप का अन्याय किया है। अतः जीव ज्ञान स्वभाव का सबसे तदास्तमय है, ऐसी आत्मा से तू क्षमा मांग। तो उत्तम क्षमा धर्म की ही है।